वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो लेके आए जिसमें एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बहुत टाइम लोग ये गलती कर देते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले ये गुना है, फिर डिवाइड है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो बहुत लोग डिवाइड करके क्या करेंगे, ये दो बार में कट तो रहा है, ये इंटू टू लिख देंगे। बट एक्चुअली इंटू टू होगा नहीं, इसका मतलब ये होगा कि 24 12 से 24 डिवाइड में, ठीक है। तो ये कटेगा दो बार में, ये दो से कटा 21 बार में। अब इसे अगर हम लोग जो पहले ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो करेंगे तो 21 माइनस 14 7 आएगा और ये 91 आएगा। तो ऐसे करके ये आंसर आता है। ये गलती है, बहुत लोग करते हैं, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक और एरर जिसको कह सकते हैं लोग करते हैं, वो ये है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये दिया हुआ है आपको, तो अगर इसको हमें लिखना है तो इसे हम लिखेंगे दो, दो किसके, दो से डिवाइडेड में कौन है, 3/5, ठीक है। तो 3/5 है, तो इसे हम लोग लिखेंगे गुना करके 5/3। अगर सेम चीज़ इसको आएंगे तो ये 2/3 से 5 डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2/3 × 1/5। तो इसको घटा के ज़ीरो नहीं आएगा, ये आ जाएगा 10/3 और ये आपका आएगा 2/15। इसको एलसीएम अगर ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 15, यहाँ से 3 50, ये कटा 2 तो आएगा 48/15, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऊपर से ये काट सकते हैं आप, 3 से काटिए, ये 16 बार में, ये 5 बार में, तो 16/5 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।